राणाकार सुंदर साहब जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सभी सुंदर साथ बीतक के इस महोत्सव को एक पर्व की तरह मना रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि बीतक हमारे लिए एक दीपक के समान है। जैसे अंधेरी रात में किसी को एक दीपक मिल जाए, किसी के हाथ में एक दीपक लग जाए, तो सामने प्रकाश में मार्ग दिखाई देता है, रास्ता सूझता है और उस अंधेरी रात में चलना बड़ा सरल हो जाता है। उसी तरह से ये जो बीतक है, बीतक के घटनाक्रम हैं, बीतक के जो पात्र हैं, ये जितने परमहंस हैं उनकी जीवनी से जो प्रकाश निकलता है वो सभी सुंदर साथ के लिए एक मार्गदर्शन की तरह है, एक प्रकाश की तरह है, जो इस माया की घनघोर रात्रि में हम सभी को एक मार्ग दिखाता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपनी बात को एक छोटे से उदाहरण से शुरू करना चाहूंगा। जंगल में एक लोमड़ी थी। एक दिन सुबह लोमड़ी उठती है, थोड़ा देर से उठी होगी, सूरज उग आया था। उसने देखा, जैसे ही वो उठी उसने देखा कि उसकी जो परछाई थी वो बहुत बड़ी मालूम पड़ी। सूरज जब एक तरफ हो तो परछाई बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। लोमड़ी ने सोचा कि तू देख अपने आप को, कितनी बड़ी तू हो गई, रातों रात क्या अमूल चूक परिवर्तन आया, तेरा शरीर कितना विशाल काय बन गया। लोमड़ी सोचती है कि अब इतने विशाल काय शरीर की भूख मिटाने के लिए कम से कम एक ऊंट चाहिए। और लोमड़ी दौड़ी पूरे जंगल में, चारों दिशाओं में दौड़ी, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ी, अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ी, लेकिन जंगल में भला ऊंट कहां मिलते हैं। दौड़ते दौड़ते थक गई, पसीनों में तर बतर, जेठ का महीना था, हाफने लगी और इतने ही सूरज जो था बिल्कुल सिर पर चढ़ाया था। और आपने देखा होगा कि जब सूरज सिर पर चढ़ता है तो परछाइयां छोटी पड़ जाती। लोमड़ी ने फिर से देखी अपनी परछाई, लेकिन इस समय परछाई बहुत छोटी पड़ चुकी थी। लोमड़ी सोचती है कि अरे ये क्या हुआ, कहां तेरा इतना विशाल काय शरीर था और कहां तू सिमट कर रह गए। फिर सोचती है कि अब तो ऊंट छोड़, थोड़ी सी चींटियां भी मिल जाएं तो भी गनीमत है। अध्यात्म के जगत में यात्राएं ऐसे ही आरंभ होती हैं। हर कोई वही दृढ़ संकल्प साधता है कि ऊंट को पकड़ेंगे, ऊंट चाहिए हमारे लिए, लेकिन हर कोई अटक जाता है छोटी छोटी चींटियों पर, सब समझौता कर लेते हैं। हजारों सैकड़ों करोड़ों की भीड़ निकलती है परमात्मा को पाने हर सुबह, जीवन की हर सुबह, उस लोमड़ी की तरह कि ऊंट यानी सबसे विशाल यानी सबसे बृहत ब्रह्म चाहिए, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। लेकिन टक्कर किससे लेनी है? टक्कर लेनी है माया से। ए माया छे अति बलवंती, माया किसी को नहीं छोड़ती। तेता पीड़े दुष्ट ने साथ, चाहे कोई दुष्ट है चाहे कोई साधु है, माया सबके साथ एक सा व्यवहार करती है। मुनि जन ने मना व्यवहार, शिव ब्रह्मादिक न लवे पार, शुक सनकादिक ने नव टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वली, विष्णु बैकुंठ लीधा माहे, सागर सिकर न मुख्या काहे, ए ऊपर हवे सु कहूं, बीजा नाम तक कह न लगो। अब इनसे ऊपर किसकी बात की जाए। छोटी छोटी बातें, छोटा संसार में पद, छोटा संसार में धन, छोटा संसार में रिश्ता, छोटा संसार में सौंदर्य, हर कोई इन्हीं में उलझ कर रह जाता है, चाहे कोई साधु है चाहे कोई दुष्ट है। माया के अपने हथियार हैं, अमृत रूप रस छल बल वल अकल, अग्नि कुटिल ने कोमल, चंचर चतुल चपल।
गृहस्थ को उलझा देती है कि तुम नोट गिनो, तुम पैसा गिनो। सन्यासी को उलझाती है कि तुम अपने शिष्यों को गिनो। गृहस्थ को उलझाती है कि तुम अपने बिजनेस को बढ़ाओ, एम्पायर को खड़ा करो। सन्यासी को उलझा देती है कि तुम अपने आश्रम मठों को चमचमाओ। और हर कोई भूल जाता है, जो निकले थे ऊंट को पकड़ने, आखिर में हर कोई छोटी छोटी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अहम इन सब चीटियों में संतोष कर ले। कोई कोई होता है ऐसा जो इस माया को टक्कर देता है, जो निकल जाता है इसके परिचक्र से बाहर। जैसे आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जब एक सैटेलाइट को भेजा जाता है, आप एक गेंद को फेंकेंगे वो तुरंत नीचे आएगी, लेकिन उसके पास इतनी ऊर्जा है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके बाहर निकल जाता है। उसी तरह कोई कोई होता है जो इस माया के इस चक्रव्यूह को भेद पाता है और इससे बाहर निकल जाता है। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, देवचंद्र जी। जातक कथाओं में वर्णन आता है कि जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, जिस दिन बुद्ध का साक्षात्कार हुआ, उस दिन आसमान से फूल टपके। आसमान में देवताओं की भीड़ लग गई, सबने फूल बरसाए, और वो फूल भी कोई साधारण फूल नहीं थे। वो फूल थे सोने के, वो फूल थे चांदी के, उनमें हीरे मोती जड़े थे। ये बात बुद्धि को ग्राह्य नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं था, लेकिन किसी के बुद्धत्व को प्राप्त होना, ऐसी विभूति का संसार में प्रकट होना इतनी अलौकिक घटना है कि उस घटना को बताने के लिए शब्द नहीं होते, और ऐसा काव्य उसमें उतर आता है। इसीलिए देवचंद्र जी का जन्म होता है। लालदास जी लिखते हैं कि देवचंद्र जी का संसार में जन्म हुआ, घर वाले हर कोई आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहा है, लेकिन देवचंद्र लालदास जी लिखते हैं कि ए बधाई ब्रह्मांड में त्रिलोक की विस्तार। कि लालदास जी कहते हैं कि मैं तो पूरे संसार को बधाई देता हूं, पूरे ब्रह्मांड को बधाई देता हूं, क्योंकि जो संसार में प्रगटा है वो संसार से परे की खोज को संसार में प्रगट करने आया। अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहली जरूरत है जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा। जैसे एक मछली को यदि पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़पती है, यदि वह तड़प पैदा हो तो अध्यात्म के मार्ग पर चलने की पहली शर्त पूरी होती है। दूसरी शर्त है अदम्य साहस। जो सब कुछ है अपने पास उस सब को समर्पित करने का साहस रखना, चाहे जीवन चला जाए। जैसे एक पतंगा होता है, वो देखता है रोशनी को, उसका सुहाग है अंधेरा, वो अपना जीवन न्योछावर कर देता है अपने सुहाग से मिलने के लिए। और तीसरी शर्त क्या है? अगाध श्रद्धा और समर्पण के साथ अनिश्चित कालीन तक पुकारना। जैसे एक चातक होता है, चातक पक्षी बैठता है टकटकी लगा करके स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। वो प्यासा है उस बूंद के लिए, वो अपने प्राण छोड़ देता है, लेकिन सरोवर और तालाब के जल को नहीं पीता। देवचंद्र जी का जीवन इसी प्यास, इसी अदम्य साहस और इसी प्रतीक्षा का एक जीता जागता नमूना है। जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रबल जिज्ञासा। सोचिए जब देवचंद्र जी ने अपनी मां से पूछा था, जब भया बरस अग्यारवां तब मन उपजियो विचार, मैं कौन कहां से आईया कौन मेरो भरतार। मारवाड़ की धरती पर, मारवाड़ के एक छोटे से गांव में अपनी मां कुंवरबाई से जब पूछा होगा यह प्रश्न, कुंवरबाई हंसी होगी कि क्या बालक छोटी बातें करता है। कुंवरबाई ने कभी सोचा नहीं था कि इस छोटे से गांव में तेरा 11 साल का बच्चा जो प्रश्न पूछ रहा है, एक दिन ये निजानंद को धरती पर उतार लाए। साहस होना चाहिए। भागीरथ यदि गंगा को धरती पर उतार सकता है, उसके लिए साहस चाहिए।
मन में ऐसी प्रबल जिज्ञासा है, कौन कहां से आया? यजुर्वेद के किसी ऋषि ने गहन समाधि की अवस्थाओं में ये प्रश्न लिखे थे, को असी कत्मो असी कस्या असी को नाम असी, तू विचार कर तू कौन है, कहां से आया है। हमें कभी ये प्रश्न ही नहीं उठता, हमें कभी ये विचार ही नहीं उठता, हमने तो इनका उत्तर पहले से ही अपने ऊपर थोप लिया है। दावा लेना कोई बुरी बात नहीं है, आप दावा लीजिए। मैं तो कहता हूं कि हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा बनाया जाए, यदि आप किसी को बताएं तो वो हंसे कि क्या ये संभव भी है। लेकिन जो दावा लिया जा रहा है उसके प्रति ईमानदारी हो। हमारा पहचान, हमारा दावा कैसा है कि जैसे देखते हुए अंगारों पर यदि थोड़ी देर में राख आ जाती है, लगता है कि शीतलता छा गई, हर कोई प्रेम में डूब गया, आनंद में डूब गया, हर कोई शांत हो गया। लेकिन माया का एक छोटा सा हवा का झोंका आता है, राख उड़ जाती है और वो अंगारा फिर से दहकने लगता है। जैसे एक घाव होता है, घाव को यदि कोई दबा दे, यदि कोई छू दे तो बड़ा दुखता है, उसी तरह से अहम के घाव हम अपने सीने पर लिए चलते हैं, बस उसको कोई छू दे हमारी सारी चौपाइयां चौपाइयों की तरह भाग खड़ी होती, वो समर्पण वो हुक्म की बातें। हम खुद लड़ते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, कभी मन में ये टटोलते नहीं कि तुम कर क्या रहे हो, तुमने दावा क्या लिया है। देवचंद्र जी ने जो सोचा है उसके प्रति पूरी ईमानदारी, ये जो प्रश्न है उनके अंतर आत्मा तक उनको झकझोर गए। आठ पहर विरहनी सांस लिए हुक हुक, पत्थर काले डिग होते सो भी हुए टूट। ऐसा महानतम उद्देश्य और उसके प्रति ऐसी दृढ़ भावना जो रातों की नींद उड़ा दे। देवचंद्र जी पहुंचते हैं सिपाही के वजीर के पास कि मुझे अपने साथ ले चलो। और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम ये ना सोचें कि छोटा सा बालक है कि उसने बोल दिया मुझे अपने साथ ले चलो। जो 11 साल के अवस्था में यजुर्वेद के ऋषियों की गहनतम समाधि की अवस्था में उठाए हुए प्रश्नों को अपनी मां से पूछ रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो अपने बालकपन में नहीं कह रहे कि मुझे अपने साथ ले चलो, उनमें तो मेधा जन्मी है, प्रज्ञा का जन्म हुआ है और अपने पिता के साथ एक बार जा भी चुके हैं कच्छ देश। उन्हें पता है कि पूरी रात का सफर है। वजीर मना करता है, देवचंद्र जी कहते हैं, तब देवचंद्र जी बिचारे हो मैं कहां पूछूं इन्हों, पीछे चला जाऊंगा अपने पांव से। यदि घोड़ा नहीं है तो सोचने की भी क्या बात है, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं पीछे चला जाऊंगा अपने पांव से। ये है अदम्य साहस कि जीवन समाप्त हो जाए, अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, संसार समाप्त हो जाए, घर छूट जाए, लेकिन जो लक्ष्य साधा है वो प्राप्त होना चाहिए। हमसे कोई घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, हमसे तो केवल यही उम्मीद है कि हम अपने हृदय के अंदर जो विकार लिए बैठे हम उनको छोड़े। वाणी कहती है कि भली बुरी इन दुनी की जिन देखो चित ल्याए, गुण अवगुण सब के माप किए, कि बस इतना सा भी तो कर दे। किसी के प्रति मन में यदि कटुता है उस कटुता को छोड़े, यदि किसी के प्रति मन में बुरी भावना है उस बुरी भावना को छोड़े, अपने हृदय को विशाल बनाए, सबको गले लगाए, सभी सुंदर साथ के प्रति हमारी सद्भावना हो। लेकिन इसको छोड़ने के लिए भी बहुत साहस चाहिए, बहुत बड़े साहस की आवश्यकता है। कोई हरिदास जैसा साहसी सुंदर साथ होता है जो भरे बाजार में भी, देवचंद्र जी जो उनसे आयु में भी छोटे हैं, एक समय उनके शिष्य रहे हैं, उनके चरणों में अपना शीश झुकाने के लिए तैयार होता है। कोई बिरला बड़भागा साहसी चिंतामणि जैसा जो भरी सभा में खड़े होकर के अपने अवगुणों को भी बताते, बहुत साहस चाहिए उसके लिए।
हम तो छिपाते फिरते हैं अपने आप को, हम छिपाते फिरते हैं अपने अवगुणों को। सबने धीरे धीरे कला सीख ली, हम कहते कुछ और हैं और उसका मतलब कुछ और होता है, हम कहते कुछ और हैं और कहना कुछ और चाहते हैं। एक हमारा अंतरतम है और एक हमारा बाहर है, मुखौटा है सब मुखौटा सजाए चलते हैं। वाणी कहती है कि अपने हृदय में जो विकार हैं, अपने हृदय में जो दुर्भावनाएं हैं, उनसे दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध को बाहर निकालो। लेकिन कैसी बुद्धिमता है कि घर में कूड़ा पड़ा है, दुर्गंध आ रही है, लेकिन कोई उस कूड़े को बाहर फेंकना नहीं चाहता। हम कहते हैं कि इतना साहस नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जब दुर्गंध के साथ व्यक्ति रहता है तो फिर वो जीना सीख लेता है। उसी तरह से हमने भी जीना सीख लिया, साहस चाहिए। देवचंद्र जी का चरित्र हमें सिखा रहा है। देवचंद्र जी निकले हैं अपने घर से, और उस दृश्य को मैंने कई बार सुंदर साथ को बताया है कि अक्षरातीत स्वयं आते हैं, कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। परमात्मा प्रेम का सागर है। आप सोचिए, सृष्टि के अंदर 60-70% जनसंख्या तो नास्तिक है, जो परमात्मा में विश्वास ही नहीं रखती, लेकिन फिर भी परमात्मा प्रतिदिन सूरज को उगाता है, चंद्रमा को चमकाता है, उसकी हवा सबके लिए बहती है, करुणा का सागर है। इतना बस साहस चाहिए जो देवचंद्र जी ने जुटाया है, इतना साहस भर हो वो तो फिर सामने बैठा है। वाणी में भी कहा है कि तुम एक बार मोए साध करो, मैं जी करूं दस पेर। वो तो प्रेम की मूर्त है, अपनी बाहें फैलाए। मैंने कई बार सुंदर साथ से कहा है कि ये जो बीतक का प्रसंग है, जब अक्षरातीत स्वयं आते हैं, ये अपने अंदर कई सिखापन लिए बैठा है। जिस परमात्मा की एक शक्ति मात्र से, एक संकल्प मात्र से 14 लोक बन करके मिट जाते हैं, वो देवचंद्र जी की रक्षा करने के लिए खुद आया है इस धरती पर। और मैं कई बार कहता हूं कि धन धन वो गुजरात की धरती, धन धन वो मारवाड़ कच्छ का रेगिस्तान, जिसने वो मंजर देखा कि जब अक्षरातीत स्वयं आए। देवचंद्र जी से मिल रहे हैं, देवचंद्र जी से कहते हैं कि कहा छोड़ तू गाठड़ी, कि तू अब अपनी गठड़ी को छोड़। वो जब आता है तो सबसे पहले यही करता है, हमारी गठड़ियां खुद ले लेता है, और खुद बिछा रहे हैं उनके लिए, खुद लेटा रहे हैं, एक पांव को दबाया, दूसरे पांव को दबाया, और जो साथ में उनके साथ गमछा है, गमछा बांधा कमर पर और बोझा लिया अपने सिर पर, और उनकी गठड़ी को अपने सिर पर लेकर के हाथ पकड़ करके चलते हैं, पूरी रात हाथ पकड़े रखते हैं। यही प्रेम के स्वरूप की निशानी है। यदि कोई इतना साहस जुटाए, यदि कोई इतना समर्पण साधे, यदि कोई इस तरह से अपने अवगुणों को छोड़ करके एक पुकार लगाए, वो तो फिर आता है अपने प्रेम के साथ, और वो गठड़ियों को भी लेता है। तीसरा, मैंने कहा कि जीवन के अंदर अगाढ़ श्रद्धा और समर्पण के साथ अनंत काल की पुकार। 26 साल की देवचंद्र जी की साधना है, 14 साल तक लगातार भागवत श्रवण करने जाते हैं, एक एक दिन, एक साल में 365 दिन है। सोचिए कि हृदय के अंदर कितना समर्पण रहा होगा, कितनी श्रद्धा, कितना अगाढ़ प्रेम रहा होगा कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं अब उसका हाथ पकड़ करके रहूंगा। तुलसीदास जी ने, सूरदास ने एक बार कहा था कि हाथ छुड़ाए जात हो अबला जान के मोहे, हृदय छुड़ाए के जाओगे तब मर्द सराहूं तोहे। कच्छ के रेगिस्तान में अक्षरातीत ने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन अपने प्रेम और अपने समर्पण से
एक दिन उन्होंने खुद अक्षरातीत का हाथ पकड़ करके अपने हृदय में बसा लिया। हम बैठते हैं ध्यान करने, चितवनी करने, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, फिर से संसार में लौटते हैं, फिर संसार के अंदर थोड़े दिन रहते हैं, फिर लगता है कि फिर से चलें। इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। देवचंद्र जी का यह चरित्र, देवचंद्र जी का यह जीवन हम सभी के लिए सिखापन है कि यदि हम अक्षरातीत को पाना चाहते हैं, किस मार्ग पर चलें, क्या हमारे अंदर विशेषताएं होनी चाहिए, कैसा साहस हमारे अंदर हो, कैसे दृढ़ संकल्प को हम साधें। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में गाते हैं, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी ना, कि देवचंद्र जी आप अशुभ का हरण करने वाले हो और आप मंगल को देने वाले हो। अशुभ क्या है? संसार में जो भी विकार हैं, संसार के अंदर जो भी छठ कलेश हैं, हृदय की जो भी वासनाएं हैं जो हम हृदय में लेकर के बैठे हैं। और शुभ क्या है? शुभ है परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का सौंदर्य, परमात्मा का आनंद। और देवचंद्र जी का यह चरित्र हम सभी को प्रेरणा देता है। और यदि इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारा जाए, यदि धारण किया जाए, तो हम सब के हृदय के विकार दूर हो सकते हैं और उस प्रेम और सौंदर्य, उस प्रेम और आनंद की मूर्ति अक्षरातीत पर ब्रह्म को अपने हृदय में बसाया जा सकता है। और इससे शुभ क्या हो सकता है? मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, सभी सुंदर साथ से यही कहते हुए कि बीतक के इस पर्व पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखें, प्रतिदिन कुछ ना कुछ जीवन में उतारें, हमारे जीवन में परिवर्तन आए। हम रोज बैठ करके ये विचार करें कि हमने कितना सीखा, कहां से हम शुरू हुए, कहां हम पहुंचे हैं और कहां हमारी मंजिल है। देवचंद्र जी के इस चरित्र से हम प्रेरणा लें। और मैं अक्षरातीत परब्रह्म से यही प्रार्थना करता हूं कि मंगलमयी स्वरूप सबके हृदय में उतरे, सबके हृदय से अशुभ विदा हो, और शुभ जो अक्षरातीत परब्रह्म का दिव्य स्वरूप है सबके हृदय में प्रकट हो, प्रेम की रसधारा बहे, सबके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान अक्षरातीत परब्रह्म को मेरे प्रणाम।